नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हम लोग आठवें अध्याय में चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी के प्रभाव के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को एक बार फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी के साथ लंदन बुलाया। उनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना और सर तेज बहादुर सप्रू भी उस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। महात्मा गांधी अभी विचार कर रहे थे कि वह इस सम्मेलन में भाग ले या नहीं। भाग लेने से पहले वह डॉक्टर अंबेडकर से मिलना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर 14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी से मिले। इस मुलाकात के दौरान महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि उनके लिए दलित वर्ग की समस्याएं हिंदू मुस्लिम एकता से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ वे ही उन्हें इन विषयों को ठीक से संबोधित नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 लाख रुपए इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए खर्च किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत कहा, मुझे वाकई इस बारे में नहीं पता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कांग्रेस के सभी प्रयत्न उसी तरह हैं जैसे हम त्योहारों पर नए कपड़े पहनने को दिए जाएं। जब गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की सराहना प्रथम गोलमेज सम्मेलन में की तो अंबेडकर भावुक हो गए और उन्होंने कहा, आप मुझसे मेरी मातृभूमि के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी दलित जिसमें थोड़ा भी आत्मसम्मान है और जो थोड़ी सी भी मानवीय भावना रखता है वह इस भूमि को अपनी मातृभूमि नहीं कहेगा, जहां उसे बिल्ली और कुत्तों से भी ज़्यादा बदतर हालातों में रहना पड़ता है और उसे जानवरों की सी भी हमदर्दी हासिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि आप बारदोली में किसानों पर हुए अत्याचार पर इतनी आवाज़ उठा रहे हैं पर दलितों की समस्याएं और चीखों को सुन नहीं पा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय प्रेस में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो देश को हमारे दुखों के बारे में बताए। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की पहली मुलाकात सहज नहीं थी और इस मुलाकात ने दोनों राष्ट्रीय नेताओं के बीच असंतोष का ऐसा भाव पैदा किया जो कभी भी दूर नहीं हुआ। गांधी जी से हुई पहली मुलाकात से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ी जाति के युवाओं को संबोधित करते हुए खुलेआम गांधी जी की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा अछूत जाति की उन्नति के लिए कार्य करता रहूंगा। अहमदाबाद अब तक व्यवसाय संबंधी बातों का केंद्र रहा है पर गांधी जी के आगमन के बाद यहां केवल राजनीति की बातें ही होती हैं। मुझे लगता है कि आपको मुझसे अधिक राजनीति के बारे में पता है। मुझे लगता है कि जो खादी पहनते हैं उन्हें गांधी जी की राजनीति की ताकत के बारे में वाकई नहीं पता है। क्या वे सब जानते हैं? क्या सत्याग्रह में बैठकर आप विजय पा सकते हैं? सशक्त ब्रिटिश गांधी जी के समक्ष पीछे हो रहे हैं पर मैं सभी खादी पहनने वालों से पूछता हूं कि आपने अपनी उन्नति के लिए क्या किया। वह आपसे आज़ादी के लिए सत्याग्रह में भाग लेने को कहते हैं पर उन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए क्या किया और कुओं से पानी लेने के आपके हक के लिए क्या किया। बहुत से मेरे अपने भी मुझसे नफरत करते हैं पर मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप कहते हैं कि इस देश के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए पर क्या इस देश को हम अपना कह सकते हैं? वे लोग आपको इंसान ही नहीं समझते। वे नहीं चाहते कि आपके पास अपनी जमीन हो। वे आपको चलने के लिए रास्ता नहीं देना चाहते। आप किस तरह इस देश को अपना कह सकते हैं? मैं गोलमेज सम्मेलन में पिछड़ी जाति के लाभ के लिए गया था पर गांधी जी को भी कांग्रेस ने भेजा जो ठीक नहीं है। वह हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता या हिंदू सिख एकता की बात करते हैं पर हम अछूतों के बारे में क्यों नहीं? डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि इस गोलमेज सम्मेलन में मैंने देश के लिए तर्क दिए। मैं पूरे देश के लिए लड़ा जो किसी और हिंदू ने नहीं किया। मुझे यह छूट दीजिए कि मैं भी अपने देश की आज़ादी चाहता हूँ हर व्यक्ति की तरह पर पहले मैं अपनी जाति की आज़ादी चाहता हूँ। इस जातिगत भेदभाव को मिटाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर अम्बेडकर 29 अगस्त 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। इस बार उनके कानूनी ज्ञान के कारण उनकी नियुक्ति फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में हुई। महात्मा गांधी भी अपने अन्य कांग्रेसी सहयोगियों पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू आदि के साथ इस सम्मेलन में भाग लेने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने वयस्क मताधिकार की मांग कमेटी के समक्ष रखी। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अगर सिर्फ कुछ लोगों को मत देने का अधिकार है तो सरकार अल्पसंख्यकों की बनेगी, जिसे यह विश्वास प्राप्त होगा कि वह बहुसंख्यकों के हितों के लिए उत्तरदायी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस सम्मेलन में केवल बहस के दो मुद्दे हैं, क्या भारत में कोई जिम्मेदार सरकार बनेगी और अगर बनेगी तो वह किसके लिए जिम्मेदार होगी। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं वे सब वयस्क भारतीय लोगों को मताधिकार देना नहीं चाहते। महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी वयस्क मताधिकार की मांग की। किसी भी वयस्क भारतीय से मत देने का अधिकार उसकी गरीबी तथा अशिक्षा के आधार पर नहीं छीना जाना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है और अपने हित को समझता है, पर यह अन्यायपूर्ण है कि आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते क्योंकि आप गरीब हैं। स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा सीखता है। लंदन में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच और वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। गांधी जी दलितों को अल्पसंख्यक समुदाय मानने को तैयार नहीं थे और अंबेडकर उनके इन विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, अब तक की गांधी जी से हुई अपनी मुलाकातों से मैं यही समझ पाया हूँ कि गांधी जी दलितों और एंग्लो क्रिश्चियनों को अल्पसंख्यक समुदाय मानने को तैयार नहीं है, और यदि भविष्य में हमारा संवैधानिक हक नहीं है तो हम किसी बातचीत में भाग लेना नहीं चाहते। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की गतिविधियों की सूचना भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। दलितों ने एक सभा बुलाई और यह संकल्प लिया कि डॉक्टर अंबेडकर उनके प्रतिनिधि हैं। फिर उन्होंने इस निर्णय से संबंधित तार लंदन भेजे। डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस मांग पर अंत तक टिके रहे कि दलितों को भी स्वतंत्र मताधिकार का हक मिलना चाहिए। 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। उसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। दलितों के कई अग्रगण्य नेता जैसे राव साहब एमसी राजा ने इस विचार को छोड़ दिया था। दलितों के केंद्रीय विधानसभा में राव साहब राजा ही केवल एकमात्र प्रतिनिधि थे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि वे पिछड़ी जाति के स्वतंत्र निर्वाचन की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी बात नहीं मानी गई तो वह आमरण अनशन करेंगे। अंततः महात्मा गांधी जी ने पूना में ही 20 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन आरंभ कर दिया। सारा देश महात्मा गांधी के इस रवैये से हैरान था। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने इस परिस्थिति के लिए समझौते का प्रयत्न किया। उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को भी भाग लेने हेतु बुलाया। डॉक्टर अंबेडकर इस विषय पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। कुछ भारतीय जो डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में नहीं थे उन्होंने उन्हें देशद्रोही तक कहा। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यह बहुत दुख की बात है कि गांधी जी इस पिछड़े शोषित वर्ग के अधिकार के पक्ष में नहीं है। वह कोई और विकल्प सुझा सकते हैं, पर मैं किसी भी ऐसे विकल्प को मानने को तैयार नहीं हूं जो शोषित वर्ग के हित में न हो, सिर्फ इसलिए कि यह गांधी जी की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। उन्हें मनाने के लिए कई वार्ताओं का आयोजन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं जैसे डॉक्टर अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, चुन्नीलाल मेहता, राजगोपालाचारी, जयकर, सप्रू, बिड़ला और महात्मा गांधी के पुत्र देवदास ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दोनों नेताओं को एक बात पर सहमत करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी की कई बैठकें हुईं।
आखिरकार दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि मतदान होगा और कुछ सीटें इसमें दलित वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। डॉक्टर अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच हुए इस समझौते को ऊना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कैबिनेट ने इस घोषणा को पार्लियामेंट में रखा। डॉक्टर अम्बेडकर ने 148 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की। पहले सिर्फ 71 सीटें उनके लिए आरक्षित थी, पर दलितों ने अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनने और हिंदू प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार खो दिया। ऊना पैक्ट की इस घोषणा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में स्वतंत्र मतदान की मांग की थी, पर आरक्षित सीटें मिली। अगर गांधी जी उनकी बात मान जाते तो बेहतर होता। अम्बेडकर की राय अधिक बेहतर थी। तो दोस्तों, इस 8वें अध्याय में हमने महात्मा गांधी के प्रभाव के बारे में पढ़ा और अब हम अगले अध्याय में डॉक्टर अम्बेडकर में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।